Assalamualaikum जी, इससे पिछले लेक्चर हमने किया था रेशियो फार्मूला। आज उसी से रिलेटेड मैंने तीन क्वेश्चन लिखे हैं, एक मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आपको खुद सॉल्व करना पड़ेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 18, फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ट्राई का मतलब होता है तीन, थ्री। फाइंड पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए बी, ए यानी ए और बी, ये हो गया ए और यहां पे आ गया बी। ये ए की वैल्यू आ गई -1 और 4 और बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 और 2। ज्वाइन करें ए बी, दो पॉइंट्स हैं ए बी, इनको आपने ज्वाइन करना है। सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है जी। ए बी को ज्वाइन कर दिया, फाइंड पॉइंट्स ट्राइसेक्ट, तीन हिस्से बनाए इनके, आपने क्या करना है ट्राइसेक्ट बनाना है, तीन हिस्से बनाने। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये हो गया, अब उसके बाद दूसरा क्या हो गया, ये थे 1, 2, 3 ट्राइसेक्ट बनाने थे, आपने पॉइंट्स फाइंड करने, एक पॉइंट नहीं होगा इसका मतलब ज्यादा पॉइंट होंगे, तो आपने तीन हिस्से बनाने। देखे 1, 2 और 3 ट्राइसेक्ट बना लिया। अब ये आ जाएगा हमारे पास, इसको फाइंड करेंगे पी एक्स वन, इसको वाई वन रख लें, क्यू एक्स टू वाई टू। तो यहां पे क्या कर लेंगे आप देख लेंगे, लेट ए पी एक्स वन वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू बी द टू पॉइंट्स जो आपने फाइंड करने हैं जी। अब ये जब आप, आपके पास दो पॉइंट्स हों उनको तीन हिस्सों में डिवाइड करें तो उनके दरमियान जो रेशियो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास इक्वल रेशियो में वो डिवाइड हो जाएंगे, यानी 1:1:1 रेशियो में आ जाएंगे आपके पास। अब जब आपने पहला पॉइंट फाइंड करने ये, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, आपके पास यहां पे है ए -1, 4 और ये आपके पास बी 6 और 2। पहले क्या फाइंड करना है हमने, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है पी एक्स वन वाई वन फाइंड करना है। अब ये आपने लिखेंगे, अभी देखें यहां से लेके यहां तक रेशियो क्या होगी, 1 होगी। इसमें दो रेशियो होगी, एक ये और एक ये, तो इसका मतलब इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1:2 हो गया। अब ये जो रेशियो होती है, देखें ये लाइन सेगमेंट होगी ए पी, इसने डिवाइड किया रेशियो के 1 और के 2 में, जैसे हमने पिछला थ्योरम पढ़ा था। इसका मतलब यहां से के 1 क्या हो गया, सॉरी 1 आ गया और के 2 क्या हो गया, आपके पास 2 हो गया। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने पहले फाइंड करनी ये वैल्यू, तो आपके पास इसको हम लिखेंगे एक्स वन इज इक्वल टू के के वन एक्स टू होता था प्लस के टू एक्स वन डिवाइडेड बाय के वन एंड के टू। जी एक्स वन इज इक्वल टू के वन 1 डॉट एक्स टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू 6 आ जाएगा, प्लस के टू 2 आ गया, एक्स वन कितना आ गया -1 आ गया, डिवाइडेड बाय के वन के टू, जी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 4/3 आ गया जी। जब आप फाइंड करेंगे y, तो y इज इक्वल टू, y हमारे पास क्या आ रहा था K1 Y2 प्लस K2 Y1 डिवाइडेड बाय K1 एंड K2। ये रेशियो फार्मूला यूज कर रहा हूं, इससे पिछले लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था जी। K1 की वैल्यू फिर आपके पास है 1 डॉट Y1 2 आ गया आपके पास जी, प्लस K2, K2 की वैल्यू आ गई 2 और आगे आ जाएगा y1, y1 कितना आपके पास जी -1 आपके पास y1 4 x1 y1 x2 एंड y2। तो नीचे आ जाएगा आपके पास k1 k2 1 प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 8 3 और ये आपके पास आ गया 10/3 जी। एक पॉइंट हमें जो फाइंड करना था या आपने क्या रखना है इसको y1, क्योंकि x1 और y1 था, तो p x1 y1 इज इक्वल टू x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 10/3।
ये अभी हमने ये पॉइंट फाइंड किया इसका, अब हम इसका क्या करेंगे, इसका पॉइंट क्यू फाइंड कर लेंगे जी। क्यू पॉइंट इसका फाइंड करेंगे जब हम, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी जी। ये देखिएगा ए बी आपने उसी तरह लिखना है, बी की वैल्यू वही आ जाएगी 6 इंटू। आप कौन सा पॉइंट फाइंड करना है, क्यू कहां पे है, ये क्यू आपने एक्स टू एंड वाई टू फाइंड करना है। अब ए से क्यू तक जो आके दो हिस्से आ गए, तो इसके अंदर यहां पे रेशियो कितनी आ गई, टू आ गई। यदि आपके पास ये रेशियो भी बन जाएगी यहां से लेके यहां तक टू, और ये रेशियो वन। अब आपके पास के वन क्या हो गया, टू हो गया, के टू क्या हो गया, वन हो गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, क्यू एक्स टू। जब आप एक्स टू, अब एक्स टू आ रहा है तो आपके पास आ जाएगा के वन एक्स टू प्लस के टू एक्स वन डिवाइडेड बाय के वन एंड के टू कामा वाई के लिए, ठीक है। वाई टू फाइंड करने, वाई टू वाई वाई वाली वैल्यूज होती है के वन जी वाई टू प्लस के टू वाई वन जी के वन एक्स वन होता है। इसी तरह के वन नीचे क्या आ जाएगा, के वन प्लस के टू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और के वन, उसकी वैल्यूज गिवन है। ये आपका सेम जो इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। इसको खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलॉन्ग द लाइन सेगमेंट ए टू बी जी। सेम देखिए उसी तरह हम बना लेंगे ए टू बी। यहां पे आ जाता है ए माइनस 5 एंड 8 और बी आ जाएगा 5 एंड 3 जी। 3/5 इसका मतलब टोटल 5 पार्ट हो गए, इसको 3/5 यानी आपने देखे सिर्फ पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट फाइंड नहीं करने, 3/5 बनाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करें, इसको डिवाइड करें ना, आपके 5 हिस्से बने। जैसे आपके पास ये आ रहा है, आपके पास यहाँ पे हो, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहां से कर लेने देखेंगे ये कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 5 इक्वल पार्ट्स में, यानी इसके दरमियान 1 1 1 1 1 क्योंकि टोटल 5 हो गए, 1 1 5 इससे बन गए। हमने कौन सा फाइंड करना है, 3/5, हमने इसका 3/5 पार्ट फाइंड करना है। यानी आपके पास इस साइड पे कितने हिस्से रह जाए, इस साइड पे 3 हिस्से रह जाए, इस साइड पे कितने हिस्से आ जाएंगे, 2 हिस्से आ जाएंगे। 3/5 3/5 फाइंड करना है आपने। तो इसका मतलब जब 3/5 ये आपके पास 3 हो जाएगा, ये 2, ये आपके पास आ गया के वन आ गया, ये आपके पास के टू आ गया। सेम यूज करेंगे एक्स इज इक्वल टू, अब इस तो आप पी एक्स वाई रखा हुआ होगा आपने, लेट कर लेंगे आप, तो एक्स इज इक्वल के वन जी एक्स वाले के साथ एक्स टू के टू एक्स वन डिवाइडेड बाय के वन एंड के टू। वाई के लिए आप क्या यूज कर लेंगे, उसी तरह देखें ना, के वन वाई टू के सेम आपका उसी तरह सॉल्व हो जाएगा जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपने सेम इसी तरह सॉल्व कर लेने। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब आपके पास ए और बी लाइन है, यहां पे आ जाएगा ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। इसको आपने 4 हिस्सों में तकसीम करना है, 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं आपने। अगर फॉर एग्जाम्पल ये इसका 1 पार्ट हो गया, ये इसका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 4 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करने हैं। अब जब आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आप इसको लेट कर लेंगे, इसको रख लेंगे सी एक्स थ्री वाई थ्री डी एक्स फोर वाई फोर ई एक्स फाइव एंड वाई फाइव। अब जब आप फाइंड करेंगे इसका पॉइंट,
अब देखिए इसमें रेशो कितनी है, वन वन क्योंकि इक्वल पार्ट है। अब आपने जब फाइंड करना है ए पूरा उसी तरह लिख लेंगे एक्स वन वाई वन, तो आपके पास बी आ जाएगा एक्स टू वाई टू। फर्स्ट फाइंड करेंगे पॉइंट सी एक्स थ्री वाई थ्री, देखें यहां पे रेशियो होगी वन, इधर कितनी बार की वन टू थ्री, तो कितना आ गया थ्री आ गया। तो मतलब ये वैल्यू आपके पास आ गई के वन और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या आ गई के टू आ गई। क्या फाइंड करना है एक्स थ्री, एक्स थ्री इज इक्वल, ये एक्स थ्री या एक्स मीन ए की वैल्यू होती है, आपने फार्मूला यहां पे लगाना होता है के वन एक्स टू के टू एक्स वन डिवाइडेड बाई के वन के टू। इसी तरह वाई थ्री, क्योंकि इसको हमने वाई थ्री आ जाएगी, यानी वाई वाली वैल्यू के वन वाई टू हो जाएगी। इधर आप वाई वन और वाई टू ही यूज करेंगे, ये एक्स थ्री मतलब ये हो गया है, इधर आपके पास एक्स टू एक्स वन ही होगा, इधर वाई टू वाई वन ही होगा फार्मूला के टू वाई वन के वन प्लस के टू। जस्ट देखें वैल्यूज लगानी आपने, के वन की वैल्यू वन होगी ठीक है, एक्स टू ये पॉइंट होते हैं, ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इसका मतलब एक्स टू यही, सिर्फ आपने के की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब आपके पास यहाँ पे ये जो आंसर आएगा ना आपके पास सी एक्स थ्री वाई थ्री, आपके पास इस एक्स की और ये वाई की जो वैल्यूज हो जाएंगी वो आ जाएगा। अब जब आप फाइंड करेंगे डी, तो उसका मतलब आपके पास जब डी फाइंड करेंगे डी एक्स फोर, और इधर आपके पास रेशियो वन और वन कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी, इधर भी रेशियो कितनी हो जाएगी आपके पास टू हो जाएगी, के वन भी टू हो जाएगा और ये भी टू हो जाएगा। जब आप इसको फाइंड करेंगे तो इधर रेशियो थ्री हो जाएगी, इधर रेशियो वन हो जाएगी, और सेम आपके सारे इसी तरह क्वेश्चन, पूरा जो क्वेश्चन होगा ये कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। और एक कोशिश कीजिए कि अगर आप समझते हैं कि आपको कुछ बात समझ आ रही होती है, तो आप इस चैनल को थोड़ा सा जो है वो लाइक भी कर दिया करें, और अगर आपको नहीं भी पता चल रहा तो आप हमें कमेंट्स करें, क्योंकि आप हमें बताएंगे तो हमें अपनी गलतियां जो है वो पता चलेंगी, हम वहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्या हम आपको ठीक तरह से समझा रहे हैं, आप लोग समझ भी पा रहे हैं या नहीं समझ रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, थैंक यू।